दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ये ब्रह्म पदार्थ है क्या? क्या सच में ये श्री कृष्ण का दिल ही है? तो माना जाता है कि हजारों साल पहले जब श्री कृष्ण का दाह संस्कार हुआ था, तब उनका दिल नहीं जला था। और हर जगह ये बात तब फैली जब साल 2015 में रात के तकरीबन 12 बजे अचानक पूरे पुरी शहर की लाइट काट दी गई, क्योंकि उस दिन जगन्नाथ जी की मूर्तियां बदलनी थी। और कुछ पंडित आंखों पर लाल कपड़ा और हाथों में मोटे मोटे ग्लव्स पहनकर मंदिर में जाते हैं, और उन पुजारियों का कहना है कि जब वो ब्रह्म पदार्थ को हाथ में लेते हैं तब वो हिलने लगता है और उससे करंट भी लगता है, इसलिए वो ग्लव्स पहनते हैं। और उसे देखने वाले अंधे भी हो जाते हैं, इसलिए वो आंखों पर पट्टी बांधते हैं। वो उन्हें एक मेटल की तरह महसूस होता है। और कई पुराने लोगों ने ये भी बताया है कि वो दिल जब भी लाइट के कांटेक्ट में आता है तो वो वाइब्रेट होता है और उसमें से काफी ज्यादा ऊर्जा निकलती है, और इसलिए भगवान जगन्नाथ जी की लकड़ी की मूर्ति बनाई जाती है, क्योंकि लकड़ी में इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं कर पाती। और वही ब्रह्म पदार्थ उस मूर्ति को धीरे धीरे खराब कर देता है, इसलिए मूर्ति को हर 12 से 19 साल बाद बदल कर ब्रह्म पदार्थ को दूसरी मूर्ति में रखा जाता है। अब ये तो कोई नहीं जानता कि क्या सच में वो श्री कृष्ण का दिल है या कुछ और, लेकिन जो इसमें आस्था रखते हैं वो तो इसे श्री कृष्ण का दिल ही मानते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे नजरिए से देखें तो जिस तरीके से इस ब्रह्म पदार्थ का वर्णन किया गया है उससे साफ साफ लग रहा है कि ये ब्रह्म पदार्थ एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि इस दुनिया की है ही नहीं। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट में जरूर बताना।